हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ आज होंडा शोरूम में, और इसका जो लोकेशन है ना वो है किशोरगंज रांची। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको अंदर लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा यहाँ पे होंडा की कौन कौन सी बाइक और कौन कौन सी स्कूटी है और क्या फाइनेंस की प्रोसेस है। और मुझे भी एक स्कूटी परचेज करना है, तो मैंने सोचा कि आप एक ब्लॉग शूट कर लूँ, आपको ये बताऊँ कि क्या प्रोसेस है फिनेंस का और कैश वगैरह हम लेते हैं। तो अभी अंदर चलेंगे और फिर यहाँ पे जो फिनेंस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे क्या क्या लग्जरियस बाइक होंडा की है वो भी दिखाएंगे आपको। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो स्कूटी लेने वाले हैं ना वो ये है डियो स्टैंडर्ड, इसका मॉडल है। और इसके बारे में बात करेंगे कि इसका फिनेंस का क्या प्रोसेस है, अगर आप फिनेंस में लेना चाहते हैं और कैश में लेना चाहते हैं तो क्या प्राइस है, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एक फिनेंस से हैं सर, उनसे बात करते हैं। तो सर, आप ये बताइए कि जो मैं स्कूटी ले रहा हूँ उसका कॉस्टिंग है 83,000 रुपीज़, राइट? तो अगर कोई कस्टमर आते हैं वो फिनेंस में लेना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है? नॉर्मल प्रोसेस है, दो फोटो लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, दो चेक लगेगा। और उसका जो डाउन पेमेंट है वो 30,000 करते हैं, तो क्या EMI आएगा? लगभग 2800 से 2900 के बीच में EMI आएगा। तो फ्रेंड, सर से मेरी बात हुई, अगर आप फिनेंस में चाहते हैं तो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप डाउन पेमेंट 20,000 to 30,000 करते हैं, जो आपकी इंस्टॉलमेंट आएगी ना वो अप्रॉक्स 3,000 के अंदर आएगी। और जो डॉक्यूमेंट्स की जो बात है वो आपको यहाँ का लोकल KYC होना चाहिए तो आपको मिल जाएगा। और एक पोर्टफोलियो आपका होना चाहिए, मतलब बिजनेस वगैरह। पोर्टफोलियो से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एक नॉर्मल कस्टमर है उसको गाड़ी मिल जाएगी। मतलब पोर्टफोलियो का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अगर KYC आपके यहाँ की है तो आपको गाड़ी मिल जाएगी और आपकी फिनेंस भी हो जाएगी। इनकम प्रूफ के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कोई भी इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल दो फोटो, आधार कार्ड, दो चेक से हो जाएगी फाइनल। ओके, तो कोई सैलरी स्लिप या फिर रिटर्न ये सब की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सैलरी स्लिप और कुछ भी आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है ना कोई चीज़ आप परचेज करने के लिए, तो वो आपको यहाँ पर नहीं लगेगा, है ना? यही है। हाँ, तो वो आपको यहाँ पर नहीं लगेगा, आपको बस नॉर्मल जो प्रोसेस होता है चेक का वो आपके पास होना चाहिए, चेक होना चाहिए, देन फ्रेंड। जो मैंने स्कूटी लिया ना उसका प्राइस पड़ा 82,000 अप्रॉक्स, और मैं कैश में ले रहा हूँ तो मैं पे कर रहा हूँ अभी। आप फाइनेंस में लेना चाहते हो तो भी आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो के माध्यम से अगर आप यहाँ पे आते हैं देन यू विल गेट गुड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट्स आपको देंगे, तो आप आओगे तो रेफरेंस ज़रूर देना। फ्रेंड्स, देख सकते हो मैंने पे किया है 81,760 रुपीज़, ये हमारा कॉस्टिंग आया है इस स्कूटी का। और आगे का दिखाते हैं आपको प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, मेरा प्रोसेस हो रहा है और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक स्पोर्ट्स बाइक है, उसके बारे में सर से बात करेंगे, संतोष सर यहाँ के मैनेजर हैं। तो सर, ये मैं देख रहा हूँ स्पोर्ट्स बाइक के बारे में बताइए ना, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ होंडा में यहाँ पर स्पोर्ट्स बाइक। सर, ये स्पेशल हॉर्नेट 2.0 रेप्सोल एडिशन है। ओके, और ये स्पेशली स्पोर्ट्स बाइक ही है। ओके, मतलब ये 200 से सेकेंड्स की ये आपकी स्पोर्ट्स बाइक का मजा देता है, जिसमें आपको इसका जो नेट पावर है 12.7 Nm का है और आपका टॉर्क है 16.1 का। ठीक है, और सर इसका मतलब क्या प्राइस आता है? ये आपका लगभग 1.5 लाख के लमसम में आता है, ऑन रोड प्राइस पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आप अब होंडा में भी आपको स्पोर्ट्स बाइक, अगर आप स्पोर्ट्स बाइक लवर जैसे मैं एक स्पोर्ट्स बाइक लवर हूँ, तो उस तरह का बाइक आपको यहाँ पे भी होंडा में भी मैं देख रहा हूँ कि अभी यहाँ पे आ रही है। सर, ये लगता है 2020-21 में आया, 2020 में ही इसका, ये नवंबर में, क्योंकि मैं पहले नहीं देखा था मैंने ये स्पोर्ट्स बाइक। अपना हमारा स्पोर्ट्स जो टीम है होंडा रेसिंग टीम का रेप्सोल टीम है, उसके आधार पर ही इसको बनाया गया है। 200 सेगमेंट्स में ये पहला आपको बाइक रेप्सोल एडिशन मिलेगा। तो सर, अगर कोई जो व्यूअर मेरे देख रहे हैं वो चाहे तो क्या टेस्ट ड्राइव वगैरह ले सकते हैं? सर, और इजी फाइनेंस में है, लो डाउन पेमेंट और इजी फाइनेंस में आपको मिलेगा, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और कोई भी आकर के प्रेमसंस होंडा में आकर के इसका टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। सर, फ्रेंड्स, अगर आपको ये बाइक अट्रैक्टिव लग रहा है देन यू कैन कम और आप टेस्ट ड्राइव ले सकते हो। और जो सर ने बताया फिनेंस का प्रोसेस बहुत ही ईजी है, आप फिनेंस में भी ले सकते हो। और वो सर, इसका दूसरा ये वेरियंट है, वेरियंट है ये, इसका ही सेकेंड वेरियंट है हॉर्नेट 2.0 का। ओके, इसका दूसरा वेरिएंट है, दोनों कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। प्राइस वही है, प्राइस आपको इससे 2070 डाउन मिलेगा, डाउन मिलेगा, डाउन मिलेगा। ये स्पेशल एडिशन का है इसीलिए इसका 2000 एक्स्ट्रा है। ओके सर, माइलेज क्या आएगा? देखिए, कंपनी क्लेम करता है इसका 60 का माइलेज,
और आपको नॉर्मली आप क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक है तो नॉर्मली कस्टमर्स माइलेज पे जाते नहीं हैं। हाँ ये तो बात है, क्योंकि इसका स्पीड और टॉर्क आपका और जो नेट पावर है वो अधिक है इन कंपेरिजन टू 200cc की जितनी भी बाइक्स हैं। 200cc की अगर मेरी बाइक है, मेरे पास R15 है, तो उससे बढ़िया मेरे को ये लग रहा है ये है आपका, क्योंकि मेरे को 175 पड़ गया जी सर। तो फ्रेंड्स अगर आप 2 लाख अप्रॉक्स में अगर आप लेते हो स्पोर्ट्स बाइक तो उससे कम में आपको मेरे को लगता है कि ये आपको लेना चाहिए जी। और आप देख सकते हो क्या मेरे को अच्छा लग सकते हैं और टेस्ट ड्राइव भी आपको सर ने बोला कि मिल जाएगा, जो स्पीड के थ्रिलिंग स्पीड थ्रिलिंग पसंद करते हैं वो इसका इंजॉय कर सकते हैं टेस्ट ड्राइव में। अगर आप आना चाहते हो तो यहाँ पे आना और सर से मिलना और टेस्ट ड्राइव आपको मिल जाएगा और फिर आप देखो आकर समझ में आएगा क्या क्या प्रोसेस है ना। सर आपका ये शोरूम कहाँ है? ये प्रेमसंस होंडा है, किशोरगंज चौक, नियर किशोरगंज चौक, हरमू बाईपास रोड में। और सर मेरे कुछ क्वेश्चन हैं, अगर यहाँ से कोई बाइक लेता है जो भी परचेज करते हैं बाइक या स्कूटी तो उनको सर्विसिंग के लिए कहाँ पे जाना? ये हमारा नियर बाई सर्विस सेंटर है, किशोरगंज चौक के पास है, यहाँ किशोरगंज चौक के पास हमारे पास सर्विसिंग सेंटर है और आप लेते हैं तो कहीं भी सर्विसिंग करा सकते हैं। होंडा में एक प्रोविज़न है कि ऑल ओवर इंडिया किसी भी नियरेस्ट सर्विस सेंटर में भी करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप रांची से बाहर से भी हैं, जैसे किसी और डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे आपको अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ से ले सकते हो और आपको नियर बाई आप सर्विसिंग करवा सकते हैं। A few moments later. और सर जो मेरे वीडियो के थ्रू जो यहाँ पे आएंगे उनके लिए क्या ऑफर है? उनके लिए हम लोग हेलमेट और प्लस फुल एसेसरीज देंगे, पूरा फुल एसेसरीज आपको। फ्रेंड्स अगर आप मेरे वीडियो के थ्रू आते हो सर से, सर को आप रेफरेंस देते हो मेरे चैनल का, देन यू विल गेट हेलमेट और एसेसरीज, फुल एसेसरीज ऑफ दिस बाइक मिलेगा आपको। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप मेरे वीडियो के थ्रू आते हो तो सर ने बताया कि आपको एक हेलमेट और एसेसरीज गिफ्ट दिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है कि सर ने इतना ऑफर किया है हमें। ये वीडियो के थ्रू आप अगर आओगे तो आपको गिफ्ट मिलेगा। और अब ये बाइक कैसा लगा आपको? ये मैं क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम होंडा में देख रहा हूँ कि मुझे स्पोर्ट्स बाइक क्यों है ना, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ होंडा का स्पोर्ट्स बाइक, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर आप आते हैं तो टेस्ट ड्राइव इसका लेना और मुझे कमेंट करके में बताना कि कैसा लगा। अगर आप स्कूटी की बाइक और कुछ भी लेना चाहते हो ना तो आप यहाँ पे आना, यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है। लास्ट 5 ईयर्स यहाँ पे परचेज कर रहा हूँ, बहुत अच्छी सर्विस है यहाँ पे, बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप आके देखो एक बार और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर फ्रेंड्स ये जो गाड़ी मैंने ली है ना वो मैंने लिया है वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, मेरे पास बाइक था तो मुझे कैरी करने के लिए मुझे बहुत दिक्कत हो रहा था, इसलिए मुझे स्कूटी लिया मैंने लिया है। और ये मैं अपने पैसे से ले रहा हूँ, यहाँ यूट्यूब का कोई पैसा नहीं है, ठीक है? अभी स्टार्टिंग में कोई पैसा नहीं आता तो वैसा मत सोचना आप लोग, कोई यूट्यूब मनी का नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको ये दोनों बाइक में कौन सा बाइक अच्छा लगा बताना मुझे कॉमेंट सेक्शन में। तो मेरा काम पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। और ये दोनों बाइक के बारे में बताना आपको कि दोनों बाइक में से कौन सा बाइक आपको अच्छा लगा, तो क्या आप टेस्ट ड्राइव लेने आ रहे हो? आज की वीडियो यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।